ये लो, एक अटैक में गाइस सारे खत्म हो गए। घर तक आते आते 190 की एचपी रह गई, अब आ जाएगा, कोई बात नहीं, मेरी फ्रॉस्टेलियन को जिंदा हो जाने दो, बस मेरी फ्रॉस्टेलियन थोड़ी देर खाना खाए। ए छमिया, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो ऑफ पेल वर्ल्ड। और जैसे कि तुम सबको याद होगा, पिछले एपिसोड में मैं पकड़ के लाया था फ्रॉस्टेलियन, और आज मैं पकड़ के लाने वाला हूं ब्लेजर मुट को, जो कि फायर टाइप पेल है। तो आज फायर टाइप और कोल्ड टाइप पेल भिड़ने वाले हैं, देखते हैं कौन जीतता है। सो लेट्स गो। अभी गाइस फिलहाल मैं घर पे हूँ और मेरे को कुछ प्रिपरेशन करानी है और अपनी इन्वेंटरी भी खाली करनी है, जो कि इससे पिछले एपिसोड में अनसंट चीजों से भर गई थी। एक सेकंड रुको, ये चीज यहाँ रखवाते हैं, इसको यहाँ। अभी गाइस सबसे पहले मेरे को टेक्नोलॉजी में से अनलॉक करानी है राइफल एमो, जो कि है ये वाली, जिससे अपनी चलेगी सिंगल शॉट राइफल। और टेक्नोलॉजी पॉइंट बढ़ाने का नया तरीका मेरे को मालूम पड़ा है, जो कि मैं कब से बढ़ा सकता था बट मुझे पता ही नहीं था ये सब। ये देखो गाइस, ये है अपने पास टेक्निकल मैनुअल, एक हाई ग्रेड है जो कि 9 है और एक इनोवेटिव है जो कि 2 ही है, और इनसे अपन बहुत सारी टेक्नोलॉजी पॉइंट ले सकते हैं, जो कि गाइस अब मेरे को पता पड़ गया, पहले नहीं पता था। इसको अपन यूज करते हैं और कंफर्म करते हैं, और देखो अपने को कितना टेक्नोलॉजी पॉइंट मिला। अभी एक था अपने पास और एक और मिल गया, ठीक है। एक सेकंड रुको, इससे टेक्नोलॉजी पॉइंट एक एक ही मिल रहे हैं? अबे नहीं, अरे मतलब चलो गाइस फिर भी 9 टेक्नोलॉजी पॉइंट मिल सकते हैं, और इससे कितने मिल रहे हैं देखते हैं। कितने मिले? कंज्यूम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मैनुअल गाइस, इससे 2 मिल रहे हैं और इससे 1 ही मिल रहा है भाई। और गाइस ये अपन ला सकते हैं डंजन बॉस को हरा के और एनुबिस को हरा के। तो गाइस आज के एपिसोड में अपन ब्लेजा मुट को पकड़ने चलते हैं, उसके बाद अपन सारे डंजन बॉसेस को हराने वाले हैं। बट उससे पहले मेरे को टेक्नोलॉजी पॉइंट देखने कितने हो गए। इस टाइम मेरे पास है 14 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स, और इससे मैं अनलॉक करने वाला हूं सबसे पहले राइफल एमो, उसके बाद एक लेटस प्लांटेशन, ठीक है, और एक गाइस एक और गन अनलॉक हो गई है। अबे यार, लेकिन इसकी 190 है ना, हां ये इसलिए नहीं ओपन करी थी मैंने। बाकी मैं तीनों अनलॉक कर सकता हूं, और तो कुछ अच्छा मिल नहीं रहा। बाकी मैं डंजन बॉसेस आने वाला हूँ तो सब कुछ अनलॉक कर दूंगा, ये तीनों अनलॉक कर रहा हूँ मैं सबसे पहले। चलो लेट्स गो, एक टेक्नोलॉजी पॉइंट बचा है मेरे पास, और अपन सबसे पहले ये 2 गन बनवाने वाले हैं, और उससे भी पहले गन पाउडर। अरे गन पाउडर के लिए चारकोल नहीं है, और चारकोल नहीं है ऐसा हो सकता है? इसको निकालो बाहर, इसमें बनाओ थोड़ा बहुत चारकोल, ठीक है। जब तक मैं बनवा के आता हूँ गन, जो कि है अपनी ये वाली डबल बैरल शॉट गन और सिंगल शॉट राइफल। तो शायद मैंने सिंगल शॉट राइफल तो मैंने बनवा ली थी, हाँ है मेरे पास। अभी मुझे बनवानी डबल बैरल राइफल, जिसके लिए चाहिए मुझे पॉलीमर, और पॉलीमर बनेगा इसके अंदर। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं इसका बनवाना। और चाहिए पॉलीमर, ओके 7 ही पॉलीमर चाहिए मेरे को, मेरी एनोबिस बना देगी। अबे एनोबिस कहाँ है? ये रही गाइस मेरी एनोबिस, इसको उठाओ। फ्लेरिस अपना 19 लेवल का हो चुका है, और एक और फ्लेरिस था वो कितने लेवल का हुआ? अच्छा 2, ओके एक 26 लेवल का फ्लेरिस है अपने पास, नाइस। इसको रखो, एक शेडो बीक रखने वाला हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक रखने वाला हूं, गाइस फ्रॉस्टेलियन भी अपने साथ रहने वाला है अब से, ठीक है। और एक अपने साथ वहां जाने वाला है अपना जर्मनोटाइड, जो कि ये है, इसको लेके चलते हैं। चलो एक जर्मन रेड सही है, मैंने अपनी पार्टी तो जमा ली है, अभी मेरे को ये सब करवाना है, गन वगैरह बनवानी है। रुक जाओ, गन बन रही, डबल बैरल बन गई है गन अपनी, ठीक है भाई रहने दो, इसको काम रहने दो। चलो लेट्स गो, अभी मेरे को यहाँ से कलेक्ट करना है। अबे चारकोल कहाँ गया मेरा सारा? अच्छा चारकोल इन लोगों ने ले जा ले जाकर रख दिया होगा। भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे खड़ा होके, क्या कर रहा है? मेरे को ये बनवाना है, मैक्स में बनवा सकता हूँ 15 गन पाउडर, ओके चारकोल की कमी है ना। रुक जाओ चारकोल और बनवा दो मेरे को, जब तक जितना गन पाउडर बन रहा है उतना बनवाते हैं। और इसका क्या हुआ भाई, ये बन रही है अपनी, लेट्स गो अपना गन पाउडर बन गया है, इसके अंदर गन पाउडर और बनने लग गया है, ओके अच्छा अपना चारकोल बन गया होगा ना, और गन पाउडर बनवाने रख दिया गाइस। अपनी गन बनने वाली है, इसको अपन बनवा देते हैं पूरी, ओके अपनी गन भी बन गई। अभी अपने को चाहिए राइफल एमो, जिसके लिए चाहिए होता है रिफाइनिंग गट। अरे यार रिफाइनिंग गट की तो कमी आ जाएगी, बाकी अभी गन पाउडर की कमी आ रही, रिफाइनिंग गट की नहीं आ रही। और 1 से 5 बनेगी, तो 7 × 5। मैंने यहाँ से गन पाउडर कलेक्ट कर लिया, अभी मेरे को देखने दो कितनी बन रही है, ओके 14 बन रही है मेरे को लगता है, जहां तक काफी है। शॉटगन सेल्स भी तो बनवानी है, रुक जाओ इसकी मेरे को बनाने दो 4 गोलियां, ठीक है। और अरे तू इधर आ रहा है एनुबिस, इस पे लग फटाफट फटाफट, ये बनवा ये बनवा। चलो जब तक ये बना रहा है गाइस, मेरे को एक और चीज पता पड़ी है, ये जो बगल में डिप्रेस्ड वीक वीक लिखा रहा है ना, इनका इलाज कैसे करना है? और इनका इलाज कुछ इस तरीके से होगा कि अगर अपन बहुत सारे इक्तरी डियर पकड़ लेते हैं, तो इनसे अपने को मिलती है हॉर्न्स, जो कि अपने को काम में आएंगी अपनी इंजेक्शन बनवाने में। तो सबसे पहले मैं जाने वाला हूं ना यहां पे, और देख के आने वाला हूं बोन्स कितने की मिल रही है, ठीक है। लेट्स गो यहां पे जाके देखते हैं फटाफट से, ओके गाइस मैंने बोला था ना 100 में मिल जाती है अपने को बोन, तो इसको लेके चलते हैं। अपने पास कितने रुपए इस टाइम? 4000 रुपए, ठीक है। बोन ज्यादा यूज में भी नहीं आती, मैंने सारी बोन खरीद ली है। और इसके बाद मैं जाने वाला हूँ एक बार के लिए घर पे, अपनी एमओ वगैरह बनवाते हैं, उसके बाद अगर अपनी पहल टीम में से कोई डिप्रेस वगैरह हुआ तो उनके लिए दवाई बनवाएंगे, फिर अपन ब्लेजा मुट को मारने जाएंगे। बाकी अपने जो बेस पे काम कर रहे हैं इन लोगों को तो बाद में अपन सही करवाते रहेंगे। अरे बनाओ ना जल्दी जल्दी बनाओ ना, क्या ओके राइफल एमओ इनने बना दी है। अभी मैं ये वाली एक एमओ बनवा के देखने वाला हूँ, जिससे कि मुझको पता पड़े कि जो अपनी
दूसरी वाली डबल बैरल वाली शॉटगन है वो कैसा काम कर रही है। ठीक है, ये रही डबल बैरल शॉटगन, ये रही अपनी सिंगल शॉट राइफल। चलो दोनों को चला के देख के आने वाले हैं, इसकी एमओ और बन जान दो। लेट्स गो, मैं जा रहा हूँ फटाफट से अपने हाथी के पास। हाथी मेरे साथी, आई एम कमिंग बर्ड। ये मिल गया अपने को, इसको बाद में मारेंगे। गाइस पहले इन सबको रिलोड करते हैं अपनी सिंगल शॉट राइफल। हेडशॉट मारने वाला हूं मैं 126 का, और अभी डबल बैरल पड़ने वाली है। रुक जा। अरे नहीं रुकना भाई। ओके, डबल बैरल से 20 के कितने शॉट लगे। रुक जाओ, ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है भाई। आई एम नॉट अबाउट टू थिंक 119। नहीं भाई, डबल बैरल ज्यादा है, डबल बैरल 100% ज्यादा है, क्योंकि उससे कम से कम भी नहीं ना। तो चार पांच, देखो पांच में 100 हो जाता है। इससे अपन नापते कितने पड़े, 1 2 3 4 5 6। ओके गाइस, ओके डन। दोनों का बराबर सा डैमेज है, बट अपन डबल बैरल शॉटगन लेके जाने वाले हैं, क्योंकि इसको अपन एक साथ दो बार यूज कर सकते हैं बिना रिलोड करे। उसको अपन को रिलोड करनी पड़ेगी। बाकी ये मेहमत भैया क्या कर रहे हैं, आओ तो आ जाओ हमारे घर पे। ओके, दूर से भी अच्छा खासा डैमेज मिल रहा है भाई। सही है। मैं बनवा देता हूं बहुत सारी एमओ शॉटगन सेल्स। लेट्स गो, 11 × 5 = 55। इतनी एमओ काफी नहीं होगी, मेरे को गन पाउडर और बनवाना पड़ेगा। रुक जाओ, लो भाई फटाफट से बहुत सारा चारकोल बना दो तुम। अगली सुबह मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए इतना सारा चारकोल। फटाफट से चलता हूँ मैं सोने। आज के दिन ब्लेजर माउंट तो आराम से मरने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा खाना ले लेता हूँ, बाकी ये 1 2 2 4 मेरी इन्वेंटरी भरेंगे, फालतू में छोड़ो। चारकोल बन रहा है गाइस, इसे उठाओ, यहाँ पे आओ और बहुत सारा गन पाउडर बनवा दो जब तक अपनी शॉटगन सेल्स बन रही है। और यार ये वाली गन लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं, ये जो सिंगल शॉट राइफल है ना, सिंगल शॉट राइफल, ये नहीं लेके जाने वाला यार मैं, क्योंकि क्या मतलब है। लेकिन मतलब तो है, इसकी एमओ है अपने पास। अब इसकी एमओ खत्म, ओके है 17 एमओ है गाइस। इसको अपन लेके चलते हैं, एक अपन ये वाली गन लेके जाने वाले। अभी हैंडगन का कोई ज्यादा काम है नहीं, बट ठीक है रखे रहने दो, मैं अपनी इन्वेंटरी खाली करवा लेता हूं। ओके डन, मैंने अपनी इन्वेंटरी खाली करवा ली है, अभी फटाफट। अबे क्या काम कर रहा है एनुबिस, एमओ बनवा। मेरे को लगा अभी तक तो एमओ बना गई होगी, मैं चलूंगा घर अपने, थोड़ी बहुत और बन रही थी और ओके बन रही है, सही है। गन पाउडर भी बनवा देते हैं जब तक। अभी गाइस मैं जाने वाला हूँ फटाफट से ब्लेजर माउंट के पास। उससे पहले मेरे को यार एक डिसेबल कराना पड़ेगा कोई ना कोई सा बेस। ये इसके पास रखा हुआ ये वाला बेस, कराओ डिसेबल। चलो लेट्स गो, अभी मुझे यहाँ जाना है और इसके पास जाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भाई बहुत चढ़ान है ऊपर की साइड। यहाँ से चलेंगे अपन अंदर की साइड। सो लेट्स गो भाई, मैंने सब कुछ ले तो लिया है ना यार, खाना। अबे शिट, अभी मैं मरता वहां जाके फालतू में। रुक जाओ, मेरा फूड वाला, नहीं यार गाइस, मैंने ये तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरा फूड वाला बेस हटा हुआ है इतने दिनों से। फटाफट से चलो पहले फूड वाले बेस पे चलो, थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए यार। क्या मैं बिना बेस ले जाए ब्लेजर माउंट को मार सकता हूँ यार? बेस नहीं लेके जाऊं क्या, या फिर एक बार जा रही है तो ब्लेजर माउंट को मारना बनता है। बेस छोड़ जाऊंगा तो मर नहीं पाएगा बाद, लेकिन बेस ले गया तो यहाँ पे मेरा सब कुछ कचरा हो जाएगा। रुक जाओ, कचरा ना हो इसलिए मैं यहाँ से उठाता हूँ ये सामान और अपना पेल बॉक्स यहाँ बनवा देता हूँ। इसके अंदर से बाहर आओ जर्मनोटाइड, और इसके अंदर बना देते हैं ब्रेड बटर जाम। अरे भैया ब्रेड बटर जाम बन ही नहीं रही है। चलो अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ ब्लेजर माउंट, आई एम कमिंग टू यू। बट मैंने खाना तो लिया ही नहीं। अच्छा खाना पड़ा है मेरे, इतनी देर में तो ब्लेजर माउंट की छुट्टी कर दूंगा। ले भाई फ्लैरिस इधर। अबे फ्लैरिस तो आग वाला बंदा है, अरे इससे ट्रेवल करने लेके जा रहा हूँ मैं। अरे भैया अरे मरूंगा, मेरे जीवन में भी आफत बहुत जगह। ओके वहां जाना है मेरे को ब्लेजर माउंट के लिए, ठीक है, और ये मेरे को पता था। अरे भैया भाड़ चल, मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। आदमी को मैं गलत लिया, इसको लेके क्यों आया हूं मैं। गाइज गिव मी 2 मिनट्स एंड लेट्स गो। देख रहे हो गाइज ट्रांजेक्शन, देख रहे हो मेरे, एक बार में वहां से जाके यहाँ आ गया। ओके बस यहाँ पे रस्ते वाले लोग नहीं मारे मेरे को, मैं सबको पार कर जाऊंगा इन 3 2 1। अबे नहीं, अबे अब किस बात की गर्मी लगी, अबे क्यों, अबे शिट, अबे यार ये तो न्यूट्रल बंदा है। अबे मैंने बत्ती पकड़ रखी थी हाथ में, अरे अरे नहीं, अरे कौन है ये, कौन सा आदमी। गाइस मैं भूल गया था मैंने टॉर्च पकड़ रखी थी हाथ में, उस टॉर्च से टॉर्च हो गया सब कुछ। चलो मेरी हेल्थ पूरी होने तो, अच्छा हेल्थ पूरी होते होते मैं वहां पहुंच जाऊंगा एंड लेट्स गो वापस भागू। सही जा रहा हूँ, यही सामने मिलना चाहिए उसका मेरे को। ओके गाइस मेरे को तो मेरी जगह मिल गई है, मैं जा रहा हूँ अंदर की साइड। यहाँ पे अभी अंधेरा होने वाला हुआ और ये अंधेरा हो गया है, और इसका जुगाड़ मेरे पास है। ब्राइटनेस को करते हैं फुल, लेट्स गो। अबे इतना उजाला फिर भी नहीं हुआ, अबे क्यों इतना तो उजाला। ओके उजाला हो गया, यहाँ पे तो बहुत उजाला है भाई के पास, लावा ही लावा है चारों तरफ है भाई, फायर वाला बंदा तो है ये। अरे गुस्सा हो गया फालतू में, मर गया, मार दिया इसने मेरे बंदे को। अबे क्यों मुझे आग क्यों लग, अच्छा मेरे को आग लग रखी इसलिए मर रहा हूँ मैं। लोग बढ़िया, बहुत बढ़िया, मर गया मैं। शिट गाइस तुमने देखा, इस बंदे ने उसकी बहुत एचपी घटा दी थी यार। अब क्यों साउंड चला रखी है ये वाली, और मैं कहां पैदा हो गया हूँ। आग वाला सूट ले लेता हूँ एंड लेट्स गो, तो आज तो आग लगा देंगे उसकी जीम में। ओके यहाँ तक मैं वापस आ गया हूँ भाई, मार दूंगा उसको बिना पेल बॉक्स के, मार दूंगा। बड़ी खुशी सी हो जाएगी मेरे को, क्योंकि अपने पास 50 लेवल का प्लेयर है भाई, और सामने वाला तो क्या ही है, कुछ नहीं है उसके सामने। ये शायद 48 या 49 लेवल का बंदा है ब्लेजर माउंट भाई। इससे आग नहीं लगवानी, खुद आग लगी ना तो मर जाएंगे। लेट्स गो, मैंने आर्मर अच्छा वाला पहन लिया, नहीं आर्मर अच्छा वाला
करना हूँ। ओके डन। अबे क्या कर रहा है तू, पागल है क्या थोड़ा सा? इधर आ गया, आ गया। अबे कहाँ ले आया यार? ओके गाइस अभी देखना फ्रॉस्टेलियन का अटैक, लेट्स गो। जलने क्यों लगा? अबे ये क्या हो रहा है, ये अंदर जाते ही जल क्यों रहा है? खाना खा भाई तू, फ्रॉस्टेलियन खाना खा पहले। रुक जाओ, जब तक मेरा शैडो भी किससे लड़के आएगा, जा भाई मार। और अरे मैं किस लिए गन वगैरह लाया हूँ, मेरे को भी तो गन वगैरह जमाने दो। डबल बैरल को जमाओ यहाँ। ओके डन। अबे मारना, अरे पागल आदमी, मार इसको, मार इसको। एक एक का डैमेज, अरे भाई यहाँ एक एक का डैमेज दे रहा है ये। मैं मत के ऊपर तो अच्छा खासा डैमेज दिया था इस। कोई बात नहीं, मेरी फ्रॉस्टेलियन को जिंदा हो जाने दो, बस मेरी फ्रॉस्टेलियन थोड़ी देर खाना खाए। बढ़िया, उसकी एचपी बढ़ रही है, फ्रॉस्टेलियन की एचपी बढ़ रही है। मैं आ गया हूँ, अभी वो मेरे पे अटैक कर रहा है। क्यों मेरे पे अटैक मत करे? फ्रॉस्टेलियन छोड़ दिया मैंने और फ्रॉस्टेलियन इसकी बजा रहा है भाई। ये देखो तुम, ये देखो, ये देखो। ओके ये वाला अटैक नहीं, शिट वापस मरूंगा मैं। मेरे पास कोई फ्रिज वाला बंदा भी नहीं है। अबे आग लगना बंद हो जा, दो मिनट रुक जाओ, दो मिनट रुक जा प्लीज। बचिया फ्रॉस्टेलियन गया, मेरा फ्रॉस्टेलियन गया। एनोबिस तू जा। अबे यार ये बाहर आ जाते हैं एक तो, मेरे को यार आराम करने दो थोड़ी देर, रुक जाओ। मेरे लग गई है फ्रॉस्टेलियन के भी लग गई है, जो एक ही तो बंदा लाया था तेरे से लड़ाने। अटैक तो चल रहा है, बस मेरा फ्रॉस्टेलियन जिंदा हो जाए। ओके जर्मनोटाइड को पड़ गई है, क्या मुझे अंदर जाना पड़ेगा? जर्मनोटाइड मार ही नहीं रहा है भाई। रुक जाओ मैं खतरा ले रहा हूँ, और खतरा मर गया। सॉरी, कम ऑन बाबू, बाबू यू कैन डू इट बाबू। अरे मर गया, अरे मर गया। अरे अरे नहीं भाई, अरे बाबू ने तो कह के ले ली। अरे ये साउंड का कौन सा ग्लिच हो रखा है जरा बताओगे तुम लोग? साउंड बंद करो पीछे से एक तो। अभी वापस आ गया मैं, साउंड चली गई, अभी ठीक लग रहा है। चल भाई फैन ग्लोब और फ्रॉस्टेलियन, यार तुम लोग सही हो ना, इन लोगों को सही कैसे करूं? खाना पीना खाओ तुम लोग। एनोबिस भी अपना अटैक होके आया भाई। जर्मनोटाइड ये लोग मर मर के आ रहे, एक तो यू नहीं, अबे ये कहीं भी सो जाती है, ये अलग है भाई। फ्रॉस्टेलियन गजब औरत है। मैं एक चीज तो भूल ही रहा था भाई, वो तो मर पिट के आ गया, इसलिए मेरे को याद आ गई, मेरे को अल्ट्रा स्फीयर्स भी तो ले जानी है, वरना पकड़ूंगा कहां इसको। रुक जाओ, मेरे पास अल्ट्रा स्फीयर्स कितनी होगी मुझे तो यही नहीं पता। कोई बात नहीं गाइस, जब तक यहां आ ही गए हैं तो क्यों ना अपन अल्ट्रा स्फीयर्स बनवा ले। और अल्ट्रा स्फीयर्स के लिए अपने को कमी है इस टाइम कार्बन फाइबर की। अरे भाई कार्बन फाइबर के लिए भी अब मेरे को वो बनवाना पड़ेगा चारकोल, और चारकोल बनवाने के लिए मेरे को बनाना पड़ेगा एक और फर्नेस, जिसको मैं बनवा देता हूं यहां, एक और यहां। अबे बन जा, अरे सीमेंट ही नहीं है, बनाओ भाई इसको बनाओ। लो भाई तुम लोगों का क्या हुआ? अरे इनकी एचपी बढ़ तो रही है। ओके ओके बढ़ रही बढ़ रही है। अपना फैन ग्लोब रेडी हो गया है, फ्रॉस्टेलियन रेडी हो रही है, और एनोबिस भी रेडी हो गया है, बट इसको वीक है भाई। अरे ये वीक है, और रुक जा, इसको अपने को इंजेक्शन देना पड़ेगा। कितने बना सकते हैं? ओके दो इंजेक्शन बन रहे हैं, इन दोनों को बनवाते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं काम पे। लग जा, अरे ये इस पे काम पे नहीं लगता क्या? कोई बात नहीं, ये है ना, ये बनाएगी, ये बनाएगी। चल भाई फ्रॉस्टेलियन रेडी होने वाला है, अपना एनोबिस रेडी है, एनोबिस को अपने पास लो। जर्मनोटाइड तो किसी काम का नहीं है भाई, जर्मनोटाइड की जगह पे मैं लेके जाने वाला हूँ कोई और तगड़ा बंदा, जैसे कि वुम्पो। वुम्पो लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बताओ? रुक जाओ, मेरे फार्मिंग वाले बेस पे ना एक लेलिन लगी हुई है, उसको लेके जाते हैं। ये वाली बॉस वाली, ये 49 की है, ये 12 की है। ओके 49 वाली लेके जानी है मेरे को, इसको रख लेते हैं अपने पास, एंड लेट्स गो वापस अपने बेस पे चलो। और भाई इंजेक्शन वगैरह बने कि नहीं बने? अरे जल्दी जल्दी बनाओ भाई, एक इंजेक्शन चाहिए अपने को, जो कि अपने को एनुबिस को लगवाना है अपने। और ये हाथी कहां से आया? अपना हाथी की किसी और का हाथी है ये, रुकना इधर साले जी, मैं इंजेक्शन घुसे दूंगा तेरे इस हाथी को मारना कहीं। अच्छा ये तो अपना ही हाथी है। चारकोल बहुत सारा बनवाने वाला हूं, क्योंकि चारकोल बहुत ज्यादा काम आ रहा है, और ये वुड ले जाएगा मेरी सारी। ऐसे कैसे काम चलेगा? कोल लाना पड़ेगा गाइस, मेरे को कोल लाना पड़ेगा। बाकी मैंने चारकोल बनवा दिया है बहुत सारा, और इंगट भी बनवा दिए, तो चलो अपनी अल्ट्रा स्फीयर बन जाएगी। अल्ट्रा स्फीयर बनवाते हैं अब किस चीज की? अरे चारकोल फाइबर की कमी है ना, चारकोल फाइबर और सीमेंट, दो चीज बनवानी है मेरे को, और दोनों चीज इसमें बनेगी गाइस। मेरे को देख रहे हो कितनी कमी आ रही है, मुझे और बनवानी पड़ेगी असेंबली लाइंस। थोड़ा बहुत एमओ बन जाता तो अच्छा होता। ओके एमओ बन रहा है, बाकी अपन इंजेक्शन दे देते अपनी एनोबिस को। अबे अपना शैडो बीक भी डिप्रेस्ड है, लेलिन भी फ्रैक्चर्ड है। अरे यार ये कैसे काम चलेगा? रुक जाओ, वैसे तो एक और इंजेक्शन अपना बन गया होगा, और फ्रैक्चर के लिए ये नहीं देना होता शायद, अपने को फ्रैक्चर के लिए कोई और दवाई देनी होती है। रुक जाओ वो मुझे देखने दो, इसके अंदर ये चाहिए अपने को फ्रैक्चर के लिए, और ये दवाई अपने पास है जो कि रखी खाएं, ये नहीं पता इसमें रखी है। ओके मेरे को ये मिल गई है, इस दवाई को अपन खिलाते हैं इसको, एंड इसको खिलाते हैं इसको। लेट्स गो, अपने सारे पहल टीम के बंदे रिकवर हो गए, और ये बार बार सो क्यों जा रही है कहीं कहीं आके? चलो कोई बात नहीं गाइस, बस ये रिकवर हो जाए सारे के सारे मस्त तरीके से। जब तक मेरा चारकोल बन गया है, इस चारकोल को रखवाओ इसके अंदर, और चलो यहाँ पे सीमेंट नहीं बना है अभी तक, तू क्या करने में लगा है? गाइस सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं सो जाता हूँ, छोड़ो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। ये सो ही रहा है आदमी, पता नहीं क्या चाह रहा है ये आदमी, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है। इसकी सान अलग कम होती जा रही है, पूरी हेल्थ हो गई है, फिर क्या चाहिए? इधर इधर साले तू इधर, ठीक है? और क्या हुआ तुम लोगों का? तुम लोग से काम नहीं हो रहा क्या? एमओ देखो, इनसे एमओ नहीं बनी है अभी तक, पता नहीं एनोबिस कहीं काम कर रहा है। ये बनवाइए, इधर इधर देख, इधर देख, समझ में आ रही है क्या बनवाना है? रुक जाओ भाई, ये छोटे छोटे से चिरान छोड़ रखे मैंने, एनोबिस छोड़ने दो मेरे को मेरे बेस। एनोबिस
20 मैंने अलग अलग बेसों पे छोड़ रखी है। अरे मेरे जीवन में समस्या कम है क्या? कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत काम करवा देंगे। तेरा हुआ एनोबिस काम, चलो बढ़िया, एनोबिस का काम हो गया। अभी एनोबिस को लगाते हैं अपन इस वाली मशीन पे, जिससे ये भी काम हो फटाफट से। सीमेंट में बनवा रहा था अपनी अल्ट्रा स्फीयर्स के लिए। चलो भाई जल्दी जल्दी बना दो। चलो बस बहुत करो, बहुत इसको करो कैंसिल, और इसके अंदर अब तुम बना दो थोड़ा बहुत चारकोल। चारकोल नहीं, अरे कार्बन फाइबर। गाइस मुझे एनोबिस और बनवानी पड़ेगी, ब्लेजर माउंट मारने के लिए आया था, पता नहीं यार क्या ही कर रहा हूं। चलो गाइस थोड़ी बहुत तो कार्बन फाइबर बन ही गए, तो क्यों ना इनसे मजदूरी करवाने की जगह थोड़ी और मजदूरी करवाई जाए। इधर ये ले, मेरा दिमाग भी फिर गया, पता नहीं मैं क्या क्या बोलने लगा। एनोबिस इधर काम। चलो गाइस ये 18 स्फीयर्स बनवा के और अपनी पेल टीम में सारे आ ही गए हैं, तो सब की सब सही है। बस ये स्फीयर्स बनवा के मैं जा रहा हूं वापस से ब्लेजर मुट से लड़। नाम भी गजब है भाई। गाइस उसको अपन आराम से मार तो सकते हैं, बस थोड़ा सा बच के रहना होगा, क्योंकि यार वो अगर अपने पे अटैक करता है ना तो अपन झटके से खत्म हो जाते हैं, अपने को टाइम भी नहीं देता वो। ओके अपनी सारी स्फीयर्स बन चुकी है, आ जाए एनोबिस, अभी चलते हैं फटाफट से। अरे फटाफट से नहीं जा सकते भाई, अभी मेरे को अगर एक दो बार और मराना मैं तो मुझे ड्रेस बनवानी पड़ेगी। भगवान करे इस बार मैं मर के नहीं आऊं, ठीक है इस बार मार के आऊंगा, ऐसे कैसे मर के आऊंगा। लेट्स गो भाई, वापस से हम आ चुके हैं तुम्हारे बेस पे। इस बार थोड़ी सी और तैयारी करिए, तैयारी के नाम पे मैं लेके आया हूं थोड़ी बहुत और स्फीयर्स। और अरे ये आदमी गुस्सा हो गया यार, चलते जाओ। गाइस मैं आ गया हूं, थोड़ा सा चलते चलते और थोड़ा सा भागो करते फटाफट से अंदर चलते हैं हम। अब मरने यार नहीं, अबे क्या है, अब कैसे हंगरी? अच्छा हंगरी है मैंने की हॉट वॉट लग रहा है। अभी ध्यान से अंदर चलना है और वो गुस्सा हो उससे पहले सब कुछ ले लिया है। भाग, हो गया गुस्सा नहीं करना, हम जा रहे हैं, 2 मिनट में आएंगे, हम चले गए, हमने देखा ही नहीं तुमको। चलो अभी फटाफट से मैं खाना खा लेता हूँ पहले, और जो जो भूखे हैं उनको भी खिला देता हूँ, और खाने की बहुत कमी है मेरे पास इस टाइम, वो देखेंगे बाद में। पहले चलते हैं इसके पास वापस से। अबे ब्लेजर माउंट तेरी, साले बाहर क्या कर रहा है यार, अंदर को जा, अंदर जा, पहले बीचों बीच जा, मैं जा रहा हूँ बाहर। कैसी आदमी जब तक बीच में नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं लड़ूंगा इससे। ओके साउंड बंद हो गई है मेरे, जहां तक ये आदमी चला गया होगा बीच में। और मेरे पास इस टाइम 32 अल्ट्रा स्फीयर्स है जिसमें ये आ जाना चाहिए भाई, इतना तो फ्रोस्टेलियन ने भी नखरे नहीं करे थे, ठीक है, तो उम्मीद है ये भी नखरे नहीं करेगा। और मैं फ्रोस्टेलियन निकाल लेता हूँ अपने हाथ में, जिससे मैं इसको लड़ाने वाला हूँ। लेट्स गो, उतर भाई, अबे रुकना, अबे रुक बावले, अंदर जा डायरेक्ट, मार साड़े को, मैं इससे डैमेज दे के देखूं। बस ये, अबे नहीं पड़ गया फ्रोस्टेलियन को अटैक, यार फ्रोस्टेलियन को डैमेज नहीं देना था मेरे को। जल रहा है फ्रोस्टेलियन, जल रहा है, जब तक तू जा। डबल बैरल से किया अटैक, और 120 का मेरा अटैक था कि उस, अच्छा मेरा तो एक एक का अटैक जा रहा है यार, नहीं हेडशॉट जा ही नहीं रहा है। देख लिया भैया ने, देख लिया हमारी साइड, भागो एनोबिस तू जा। ओके अटक गया ये आदमी, अटक गया साला, अटक गया, मारो साड़े को। गाइस गोली खत्म हो गई अपने पास इसकी, ये वाली बची है, अब मार रे मार इसको, ये पड़ा। अबे यार तू क्यों, ये वाला अटैक नहीं। गाइस एक बार वापस इससे मजे लेने का टाइम, एंड लेट्स गो, मैं जा रहा हूं। ओके शैडो विक आ गया है अपना, और शैडो विक मारेगा इसको। अबे मारना शैडो विक तेरे गधे। ओके शैडो विक ने मारा, उसका 1000 का डैमेज सिर्फ, और ये खत्म है, इसको बस एक हेडशॉट की जरूरत है, और मार दिया मैंने वापस से बकवास। ओके 400 मारियो साड़ी को, एक और मारियो, आजा। अरे यार ये मेरी सारी खर्च करवाएगा भाई अल्ट्रा स्फीयर्स, 190 की एचपी रह गई, अब आ जाएगा भाई यार क्या है। गाइज अपन ने ब्लेजर मुट पकड़ लिया है, और अभी तुमको दिखाता हूँ कैसा है ब्लेजर मुट। रुक जाओ पहले मेरे को घर तो जाने दो, फिर दिखाऊंगा ऐसे कैसे दिखा दूंगा। लेट्स गो। हेलो बड़ी, अरे पापा पकड़ के लिया है तेरा, तू क्या लड़ रहा है बे, जा चल, छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करता मैं। And let's go. आ गया मेरा घर, आजकल तो घर भूल जाता हूँ, इतने सारे बेस बना दिए मैंने। और गाइस ये रहा अपना ब्लेजर माउंट, जिसको अपन रखते हैं यहाँ, एंड दिस इज अवर ब्लेजर माउंट। इधर आ, अबे इधर दे, अरे बड़ा दिखा के बग गया भाई आदमी, इधर आ। गाइस ये देखो भाई क्या तगड़ी चीज है, ये देखो भाई साहब, बॉडी देख रहे हो भाई, बॉडी इसकी बॉडी, ये नाइस। ले भाई इधर आ, अंदर आ। अभी गाइस अपने को आइस टाइप पोकेमोन पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, और एक बार मैं टेस्टिंग भी करके आने वाला हूँ, इससे मैं चलता हूँ फ्रोजन एरिया में, और जो वहाँ छोटे मोटे लोग घूमते रहते हैं ना उन पे अटैक करा के देखते हैं। एक सेकंड, अरे मेरा सूट कहाँ गया, मेरा सूट कहाँ गया भाई, ठंडी वाला गाइस मेरा सूट नहीं मिल रहा, इसको छोड़ देता हूँ, ये बहुत गर्मी दे देगा वैसे ही मेरे, बाकी मेरा सूट ओके, ये रहा ना सूट। चल आजा बड़ी लेट्स गो, कोई ना कोई तो मिलेगा भाई यहाँ पे, इस पे बैठते हैं और थोड़ी बहुत सहर करते हैं यहाँ। ओके ये मिला मेरे को, इससे लड़ा के देखते हैं इस बंदे को, एंड ये इसका एक अटैक और इसकी पावर पूरी खत्म भाई साहब। और अभी तो ये नीचे से आग निकाल रहा था भाई, हाईली इफेक्टिव शो कर रहा है यार, कोई और बड़ा बंदा नहीं, क्या ये तो छोटा सा मिला था मेरे को। ओके
मेरे को मिल गया है वुम्पो। रुक जाओ, वुम्पो से लड़ा के देखते हैं, शायद वुम्पो और खतरनाक बंदा है, उससे तो खतरनाक ही है। मार भाई इसको, मार इसका एक अटैक और इस, अच्छा ये छोटा वाला अटैक था गाइस, छोटा वाला अटैक था, कोई बात नहीं। और भाई देखो वुम्पो के अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कर ब्रो, भाई सुन पड़ गया क्या? जी मैं, उसने डंडा दे दिया तो तेरे। अबे ये सेम अटैक करे जा रहा है, कुछ करना, कुछ अच्छा दिखा, कुछ अच्छा। ओके ये लगाई आग और खत्म। भाई देखा तुमने, खत्म है ये बंदा, पकड़ लूं। अबे मार ही दिया इसने। अच्छा हाथी, ओह हाथी भी था। अरे यार ये बड़ा वाला गोला फेंक रहा था, मैंने देखा नहीं, रुक जा। हाथी भी था पीछे। ओके गाइस इन दोनों का अटैक हो गया है, भी देखते हैं। अरे यार एक तो ये अलग ही ठंडे इलाके के लोग ना जी में वो घुसेड़ देते भाई, ठंडा ठंडा। ओके और ये इसकी पावर आधे से ज्यादा कम। भाई ये अटैक है ना बहुत तगड़ा है, जब नीचे से लावा निकालता है ना ये चीज है भाई। रुक जाओ इसको पकड़ लेते हैं, एक अपने पास है नहीं यार। अब अल्ट्रा स्फीयर में पकड़ूं तेरे को, है ये दिन दिखाएगा तू। अबे मार मत इसको, पागल है तू, इधर आ जा। अबे मेमत है तू, क्या है मेमत है तू? ठीक है छोटा सा अल्ट्रा स्फीयर नहीं लगता है तेरे लिए, भाग जा तू यहां से। इसको मारियो रे जाके जा। अरे भैया इसने तीन अल्ट्रा स्फीयर लगवा दी। अरे इस मेमत को मार रे, मारने ये। अरे वो लावा वाला भाई, पहला अटैक ही अगर लावा वाला होना तो मजा आ जाए। इसके अटैक से कुछ भी नहीं लग रहा उसको। अबे मेरे को लग गया, और ये अटैक आया और ये खत्म। भाई ब्लेजा माउंट छोटी मोटी चीज नहीं है। लेट्स गो, मैंने इस मेमत को भी पकड़ लिया है। गाइस आज दिन है इनको भी पकड़ के लेके जाने का। जब ये सामने से आए तो भाई इनको भी पकड़ के ले जाते ना। मेरे पास ज्यादातर सारे तरीके के बंदे हो गए। अबे पूरा खत्म कर दिया क्या? अबे नहीं, अबे यार पूरा खत्म कर दिया। इससे क्या मिला मेरे को? कुछ नहीं मिला। इसको मार, इसको मार, एक और इधर मार मार मार। भाई ये इनका भी अटैक बहुत तगड़ा है। अरे क्या कर रहा है साड़े? अरे डिफेंस। ओके ये देखो, अबे बच गया, नहीं मर गया। पकड़ लूंगा इसको, पकड़ लेते हैं। इससे एक और अटैक करवाते हैं, इससे छोटा सा करना, करना अटैक कर, छोटा सा अटैक, लेट्स गो। अबे अटैक ही नहीं कर पा रहा वो। अबे मेरे को मारेगा, मैं पूरा मर जाऊंगा। नहीं दूर चल, दूर चल, दूर चल, ये आ जाएगा, ये तो अपने आप ही आ जाएगा। ओके लेट्स गो, ये आ गया गाइस। अपने पास एक और नया बंदा पकड़ लिया अपन ने। अभी चलते हैं घर पे क्योंकि रात हो गई है। होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, गुड नाइट गाइस। अभी गाइस मेरे को ये जितने भी डिप्रेस्ड, वीक, ओवरफुल दिख रहे ना, इन सबको सही करना है। और ये सिर्फ यही नहीं है, ये मेरे माइनिंग वाले बेस पे भी है। ये देखो भाई सारे डिप्रेस्ड ओवरफुल पड़े हैं, बट काम बहुत अच्छा करते हैं। देखो इसके अंदर 116 पड़ा है और इसके अंदर बे कुछ भी नहीं है। अरे इन लोगों की तारीफ गाइस, ये इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि ये डिप्रेस्ड पड़े आधे से ज्यादा। तो काम कर रखा है इनने, बट उस लेवल का नहीं है जब ये ठीक होते हैं बंदे। और इनके लिए मुझे चाहिए बहुत सारा हॉर्न और बोन, जो कि आज मैं कलेक्ट करके लाने वाला हूँ। देखो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हॉर्न्स की कमी है, और वो हॉर्न्स मुझे मिलेंगे अपने इस डियर से, और ये डियर अपने को मिलेगा इस रीजन में। ये अपने घर के पास में है बट यहाँ अपने को मिलते नहीं है। तो आज अपन ट्राई करने वाले हैं एक तो यहाँ जाके, और यहाँ पे भी मिलते नहीं है यार, मैं गया था। तो आज सबसे पहले यहाँ चलते हैं, लेट्स गो। अभी मैं यहाँ आ तो चुका हूँ और इनका हैबिटेट यही शो कर रहा है, लेट्स गो। थोड़ा मुझे नीचे रहना पड़ेगा जिससे कि मुझे डियर वगैरह दिख जाए, क्योंकि यार ज्यादा ऊपर रहते ना तो स्पॉन भी नहीं होते आधे टाइम। तो वो लोग ये देखने यहाँ पे कोई स्पॉन नहीं हो रहा। अब बताओ उन डियरों को कहाँ से लाऊं? पहले खूब मिला करते थे यार, और मैं हूँ तो उन्हीं के एरिया में। ये देखो ये उन्हीं का एरिया है, इधर खत्म हो जाएगा, आगे जाने पे इधर जाना है। बाकी अपन टेक्नोलॉजी पॉइंट जो बढ़वाने की मैं कह रहा था गाइस, ये देखो ये जो डंजन्स है ना, इसके अंदर अपने को बॉसेस मारने पड़ते हैं। बट अभी अपन किस मकसद से आए थे और मकसद गया भाड़ में, अपन अपने टेक्नोलॉजी पॉइंट बढ़ाते हैं और काफी अच्छी अच्छी चीजें अनलॉक करते हैं। देखते हैं इनसे रेयर वाला, मतलब जिससे दो टेक्नोलॉजी बढ़ती है वो मिलता है यहाँ से, या फिर कौन सा मिलता है मेरे को देखना पड़ेगा। इस पे बैठो। अबे किस पे आग चला रही, क्यों चला रही? चलो खाना और खाओ, हट जाओ भाई, हट जाओ। कौन से वाले गेट में जाऊंगा? यहाँ एक दो, दो गेट है। अच्छा ये तो हड्डी का हिस्सा है। गाइस इस वाले गेट में जाके देखते हैं शायद कुछ मिले। और गाइस अब डंजन में घुसने में डर नहीं लगता, पहले डर लगता था कि रास्ता भटक जाएंगे, अब मुझे आदत सी हो गई है। ये वाला गेट बंद है, ये रहा गाइस ये रहा, शायद मेन वाला गेट अपने को मिल गया है। ओके नहीं मेन वाला गेट नहीं मिला है, बट यहाँ पे होना चाहिए मेन वाला गेट। अबे ये क्या बवासीर बना रखी इन लोगों ने, एक तो भाई गेट के अंदर गेट देते रहते हैं, शर्म नहीं इन लोगों। अबे ये तो मैं बाहर की साइड आ गया है गाइस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। देखो इस गेट में ऐसे घुसेंगे, और गाइस वो डंजन का एंड आ गया था, बट वो कौन सा एंड आया वो नहीं पता क्योंकि अपन सेम एंड पे तो नहीं आए थे। क्या इस वाले गेट में है? भाई ये गेट बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। ओके यहाँ भी कोई है तो नहीं। ओके मेरे को मिल गया, और ये गुमोस नाम है इसका, गुमोस गाइस, गुमोस मिला है अपने को। इसको तो मेरा छोटा यही मार देगा, लौंडा ये बात। अबे पूरा नहीं मानना है भाई, ले चला जा अंदर, आजा तेरे छोटे चिरांद कहां है? अबे छोटे चिरांदों को तो इसने वैसे ही मार दिया। अरे आ जाना, नखरे मत कर। देख गाइस जो अपने को टेक्नोलॉजी वाली बुक्स है ना, वो इसके अंदर मिलती है आगे चेस्ट में। देखो अबे आ रहा ही नहीं आ रहा तू, आ भाई आ जा, देख ऐसे नखरे नहीं करते, देख मेरी बात समझा कर, चलो फालतू बकवास मत किया कर मेरे साथ। लेट्स गो गाइस, अपना ये वाला गेट खुल चुका है, और अब मैं दिखाता हूं तुम्हें इसके अंदर अपने को कौन सी बुक मिलती है। इसमें अपने को ट्रेनिंग मैनुअल मिला है। ओके इसमें एंशिएंट टेक्नोलॉजी मैनुअल है, टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिलते हैं क्या? गाइस आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो गया। गाइस इसमें अपने को मिला बेलिनर्स लेव वगैरह तो ठीक है, ट्रेनिंग मैनुअल प्लस एंशिएंट टेक्निकल मैनुअल मिली है। चलो भाई मेहमत ब्रो,
मैं जा रहा हूँ फिर, मैं एनुबिस को मार के देखता हूँ। एक बार क्यों ना अपन एनुबिस को वापस से मार के आए और देखें उससे अपने को कौन सी बुक मिलती है, क्योंकि बुक तो मिलती है भाई उससे, ऐसा मेरे को यूट्यूब वालों ने बताया। और उस एनुबिस को मारने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, इधर किधर ही तो मिलता है वो आदमी। अबे एनुबिस का लोगो क्यों नहीं बना रहा, एनुबिस को मारा था गाइस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। अच्छा एनुबिस यहाँ मारा था मैंने, वहाँ कैसे आएगा लोग, इतने अच्छे अच्छे बंदे है मेरी पहल टीम में, तो उसको मैं वैसे ही मार देना चाहिए। बाकी अगर नहीं मार पाया तो मेरे पे थू है, लेकिन ऐसे कैसे मैं मार दूंगा। ये रहा, यहाँ सामने मिलेगा अपने को एनुबिस, लेट्स गो। ओके अपन एनुबिस के पास पहुंच चुके हैं। अबे गर्मी, अरे इस एरिया में भी तो गर्मी लगती है, ये तो मैं भूल ही गया, और मैंने गर्मी वाला सूट भी तो नहीं पहन रखा। चलो अभी ठीक, इस पे बैठो और अबे अटैक वटैक छोड़ने तू, चल भाग भाग भाग, जोर से भागो। अबे क्या है तू साले पागल है, थोड़ा सा रुका क्यों उसके मुंह पे जाके। ओके गाइस मैं एनुबिस के पास आ चुका हूँ और इससे उतरते हैं। अरे नहीं एक सेकंड, उतरना क्यों है, क्या पता इसकी चेस्ट में मिलता हो, नीड सिल्वर की। अबे यार एक सेकंड रुको, एनुबिस को पेल बॉक्स बना के नहीं मरवाने वाला, बट मुझे घर जाना है यार, मुझे एक बार के लिए घर जाना है, और घर जाने के लिए यहाँ पे कोई भी साधन नहीं है। क्यों ना अपना कोई एक पेल बॉक्स तोड़वा दिया जाए, और यही मेरे को दिखता है पेल बॉक्स तोड़वाने के लिए। इसको तोड़ते हैं और अपना पेल बॉक्स सेट करते हैं। अरे तू जा कोई बात नहीं, अब तो कितनी भी दूर बना दे, क्योंकि उसको मैं अकेला मारने वाला हूँ। मुझे बस सिल्वर की चाहिए, इसलिए ये पेल बॉक्स बनाया है। चलते इससे घर पे, और भाई की देना मेरे को, सिल्वर की होगी मेरे पास जहां तक मुझे उम्मीद है। कॉपर की है बट सिल्वर की नहीं है, कॉपर की रखते हैं अपने पास। गोल्ड की भी मिल गई, सिल्वर की कहाँ है गाइस, क्या अपने पास सिल्वर की ही नहीं है। रुक जाओ, सिल्वर की इस वाले बॉक्स में मिल सकती है, क्योंकि यार ये कहीं भी जाके पटक आते हैं। नहीं इस वाले बॉक्स में भी नहीं है भाई, फिर सिल्वर की है ही नहीं क्या मेरे पास, ऐसे कैसे सिल्वर की होनी चाहिए यार। ओके मैंने सारी सिल्वर की यहाँ रखवा रखी थी इस वाले बॉक्स में, लेट्स गो। मेरे को पता था सिल्वर की मेरे पास होगी। मैं चल रहा हूँ फटाफट से वापस एनुबिस के पास और इसका ड्रॉप लूट के आने वाला हूँ मैं। इधर आ रही, अबे क्या करता है रे तू, भागो 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 यहाँ से भागो, कोई भी गुस्सा नहीं है मेरे से। इसकी पेटी लूटो, और इससे भी कुछ नहीं मिला यार, पेटी में तो कुछ नहीं था इसकी। रुक जा इसको फाइट करवाते हैं, ये ले करवा दिया मैंने फाइट, और एनुबिस की बहुत तगड़ी वाली एचपी कम कर दी है। मार देंगे इसको, अकेले मार देंगे। मैंने बोला था ना एक दिन इसको मैं अकेला मार के दिखाऊंगा, और मैंने मार दिया है, देख लो तुम, अब खुद देख लो तुम, इसको अकेला मार रहा हूं मैं। एनुबिस भी बहुत गंदा मार रही है यार, ऐसी बात नहीं कि मार नहीं रही है एनुबिस, ये अलग ही एक ही अटैक करता है आदमी यार। ओके इसने बहुत तगड़ा वाला अटैक कर दिया अपना, अब इसको छोड़ते हैं जब तक अपना ब्लेजा मुठ सोने गया है। अबे नहीं यार इसके इस वाले अटैक से बचाना है, बस ये जो उचक के मारता है ना, ये मारा ये मारा ये मारा ये मारा। एनुबिस वर्सेस एनुबिस, लेट्स गो। ये ले आजा, सात अल्ट्रा स्फीयर तेरे जैसे हजार पकड़ने हैं, मेरे को समझ में आई कि नहीं आई। हाँ बात मान जाया कर एक बार में। गाइस इससे मुझे लार्ज पाल सोल मिली है, गाइस मेरा थोड़ा दिमाग ना कंफ्यूज आ गया है। ओके एनुबिस से अपने को पाल सोल मिलती थी, ये तो मुझे पता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गाइस मैं तो इसलिए आया था कि मैं बताना चाह रहा था तुम लोगों को कि मैं इसको अकेला भी मार सकता हूँ, समझ में आई तुम्हें। ए मेरे को वो हॉर्न वगैरह टेक्नोलॉजी पॉइंट वगैरह कहाँ से मिलेंगे। इन लोगों को देखो, ये लोग अलग अटैक कर देते हैं भाई। गाइस इन लोगों को मैं बताता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक अटैक में खत्म करते हैं, कैसे, ये लो मारना बेटे, बैडी मारो, अरे मारो भैया। अबे ये गाइस ये देखो, ये एक अटैक में सारे खत्म हो गए। अरे आगे जा, आगे छोड़ो इस आदमी को पहले, तो ये खत्म, लेट्स गो। बे फर्क भी नहीं पड़ा इनको तो। ये लो एक अटैक में गाइस सारे खत्म हो गए, घर तक आते आते बताओ किस बात ये रेड थी। अच्छा एक बंदा अभी भी घुस गया क्या घर में, ए छमिया। गाइज तुम लोगों ने अटैक देखा भाई, बाकी गाइज इनको तो मैंने खत्म कर दिया है, लेकिन यार मैं अपने इनका क्या करूं, डिप्रेशन अल्सर में घूमे पड़े ये लोग। अरे सुपर हार्ड वर्क कौन करा रहा है इनसे, अबे तुम काम कर क्या रहे हो जो ऐसा सुपर हार्ड लगा रखा है, किस आदमी ने लगा के गया इधर। गाइज क्या मैं ही था वो, मैं नहीं हो सकता वो, मेरे में बुद्धि है। गाइज आज की रात सोते हैं और अगले दिन देखते हैं इनकी डिप्रेशन का करना क्या है भाई, मेरे को इलाज ढूंढना पड़ेगा इनके डिप्रेशन का। ओके गाइज अभी अभी उड़ती उड़ती खबर आई है कि मेरे को अगर हॉर्न्स चाहिए तो मुझे यहाँ जाना चाहिए, बाकी ये एरिया भी इसका है जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे शायद अपन थोड़ी देर रुकें तो अपने को अच्छे खासे हॉर्न्स मिल जाने चाहिए। बाकी बात रही टेक्निकल मैनुअल्स की, वो अपने को ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो चेस्ट है ना इसमें भी मिल सकती है, तो क्यों ना अपन पहले टेक्निकल मैनुअल्स इकट्ठी करने चले, मेरे को बहुत मन कर रहा है भाई अपनी टेक्नोलॉजी पॉइंट्स में से कुछ नई नई चीजें खोलने का। बाकी जरूरी काम तो ये है कि इन लोगों को मेडिसिन बना के दूं, लेकिन ठीक है ये काम मैं ऑफलाइन भी कर सकता हूं। बट लेट्स सी क्या मेरे को ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली चेस्ट में से कुछ अच्छा मिलेगा। चलो फटाफट चल के देखते हैं, अब तो मेरे पास ये उड़ने वाला उड़न खटोला भी है। बाकी गाइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैं आ गया हूं, इनकी चेस्ट ढूंढनी है बस मेरे को, भाई तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है मेरे को, ठीक है क्रिमिनल एक्टिविटी हो कि कोई सी भी एक्टिविटी हो, ये एक चेस्ट मुझे मिल गई है ठीक है। गाइस हाई ग्रेड टेक्निकल मैनुअल मेरे को मिल गई, और इससे शायद एक, हां एक टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलता है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। मुझे वो तीन टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलते हैं ना वो वाली चाहिए चेस्ट, ठीक है एक सेकंड रुको इसमें देखने दो क्या इसमें मिलेगा। ओके नहीं इसमें मेरे को बेलिनर स्लैब वगैरह मिल गई है भाई, उड़न खटोला बढ़िया है, ऐसे आओ और सारी चेस्ट
चेस्ट फार्म करके चले जाओ भाई, ऐसे चेस्ट फार्मिंग कर सकते हैं, चेस्ट फार्मिंग। ओके एक और चेस्ट मिल गई मेरे को, ट्रेनिंग मैनुअल मिली है इसमें मेरे। ओके एक और चेस्ट है नीचे, एक और चेस्ट, चेस्ट गायब हो जाती है ना, हाँ खोलने के बाद चेस्ट गायब हो जाती है। एक और चेस्ट मिली है मेरे को भाई, नहीं मिल रही भाई, एक बुक मिली उसके बाद बुक ही नहीं मिल रही है, बताओ कोई बात है। पीछे की साइड मेरे को शायद मिलनी चाहिए चेस्ट, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1 है ना उसमें मुझे चेस्ट वगैरह ऐसे रखी हुई मिली थी ऊपर की साइड, बट इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके शायद एक चेस्ट दिख रही है मेरे को सामने, क्या पता, देख के आनी पड़ेगी, रुक जाओ। ऐसे एक ही चेस्ट रखी थी वहां पे भी, ओके हाँ चेस्ट ही है, इसमें भी नहीं मिला। मैंने सारी चेस्ट लूट दी गाइस, ठीक है मैंने सारी चेस्ट लूट दी, मेरे को किसी में भी कुछ नहीं मिला, एक ही में मिली थी टेक्निकल मैनुअल, बाकी में मिली नहीं भाई। एक और चेस्ट मिली है गाइस मेरे को यहाँ पे, ऐसे इधर उधर पड़ी रहती है। एक तो यहाँ की चेस्ट है भाई, कहीं अच्छी जगह लगाओ इन चेस्टों को जो एक बार में मिल जाए। अरे इनकी नजरों में आ गया, मैं देख ही रहा था ये कौन खड़े हैं, मुझे क्या पता ये यही लोग खड़े हैं, अभी आदमी पीछा भी नहीं छोड़ेंगे, पता ही टट्टी लोग हैं भाई। चलो गाइस अपने को क्या, अपन चलते हैं फटाफट से सामने वाले ईगल पे और यहाँ से निकलते हैं, इस टावर से चलते हैं अपन किसी तो डंजन टाइप के एरिया में, ठीक है जहाँ अपने को बहुत सारी डंजन मिल जाए, ठीक है यहाँ अपने को डंजन मिल सकती है और यहाँ की डंजन एक मेरे को पता है। और क्या दिखा गाइस ये अपने को, क्या दिखा, मारियो रे इसको, मारियो साड़े को, अरे यार ये भागते अलग है भाई। ओके मैंने इस पे अटैक कर दिया, अब नहीं भाग पाएगा, ओके ये मर गया। और इससे अपने को गाइस दो हॉर्न्स मिले जो कि अपने को चाहिए थे, ओ भाई दो 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 मिल गए गाइस मेरे को, दो दो मिल गई, इनको एक मारनी पड़ेगी तभी मानते हैं लोग, मानते नहीं वरना है। मारियो रे इनको, थोड़ा थोड़ा मारियो साड़ो गाइस, इनको अगर अपन कैप्चर कर लें तो भी अपने को दो हॉर्न्स मिलते हैं और मार दें तो भी दो हॉर्न्स मिलते हैं। ये मार क्यों नहीं रहा, ये अलग प्राणी है भाई। ओके इसने सबको मार दिया है और इससे अपने को दो हॉर्न्स मिले और इससे भी अपने को दो हॉर्न्स मिल चुके हैं। चलो अभी अपन डंजन देखते हैं जब तक ये वापस स्पॉन हो जाएंगे, बाकी अपन स्पॉन करवा सकते हैं इनको जल्दी जल्दी इधर उधर टावर में घूम फिर के, यहाँ डंजन तो होने चाहिए यार। ओके अपने को एक और मिल गया है, मार खा लो, पूरा मार दिया रे इस आदमी ने। ओके गाइस मेरे को एक डंजन मिल गया है, क्यों ना इसको क्लियर करके आए, लेट्स गो। उतार 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 भाई उतार, फटाफट से चलो इसके अंदर, लेट्स गो। और इसमें मुझे ध्यान रखते हुए जाना पड़ेगा यार, इसमें क्या चेस्ट मिलती भी तो नहीं आसानी से। ओके गाइस मेरे को एक चेस्ट मिल चुकी है और इसके अंदर स्मॉल पाल सोल वगैरह मिल रही है यार, कोई बात है नहीं मिला गाइस इसके अंदर अपने को जो चाहिए था वो नहीं मिला। छोड़ो गाइस अपन यहाँ के बॉस को पकड़ते हैं, क्या पता उसकी चेस्ट में अपने को कुछ मिल जाए। ओके अपन इसके यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अपनी क्रिमसी मौसी रहती है, क्रिमसी मौसी, अरे क्रिमसी मौसी को मारना है, तू कहाँ क्या करता है रे, क्या करता है तू, क्रिमसी मौसी पे ऐसे करके अटैक कर दो, ये खत्म। ओके गाइस क्रिमसी मौसी अपने को मिल चुकी है, अभी यहाँ पे अगर कोई चेस्ट, ये क्या है भाई गोला सा, छोड़ो अपने को गाइस इस इन चेस्टों में देखना है क्या कुछ तगड़ी चीज मिलती है, बाकी इनके लिए मैं इन्हें छोड़ देता हूँ, ये अपने को परेशान नहीं करेंगे। लेट्स सी इसको मैंने ओपन किया, इसमें एक सिर्फ एक रूबी, अच्छा बाकी मेरे को मिल गई टेक्निकल मैनुअल वगैरह मिली है, कुछ नहीं मिल रहा यार, पता नहीं भाई टेक्निकल मैनुअल ढूंढने पर नहीं मिलती होगी शायद, क्योंकि है तो अच्छी चीज इतनी जल्दी से मिलती नहीं है। अपन चलते हैं अपने घर पे और अपनी टेक्नोलॉजी पॉइंट दो हो गए होंगे, हाँ क्योंकि मेरे को एक टेक्निकल मैनुअल तो मिल गई थी। अगर अपन अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएं तो अपने को मिल सकती है, बाकी मैंने एक बेस अपना यहाँ लगवा रखा है इसको, अरे मेरे को तोड़ना था भाई इस बेस को, अपन इस बेस को अपन वापस अपने प्लांटिंग वाली जगह पे लगवा देते हैं। और एक और चेस्ट मिली मेरे को, क्या इसमें कुछ मिलेगा, ब्रेड के तीन टुकड़े, इसको तोड़वाओ और अभी फटाफट से, अबे ये तो मेरे को चाहिए, इनकी जगह पे मैं क्या फेंक, कुछ नहीं फेंक सकता, छोड़ो इसको अपन लगवा देते हैं यहाँ पे। और अभी मेरे को लेटेस्ट प्लांटेशन यहाँ लगवानी है, उसके लिए मेरे को सीड वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे शायद, अगर अभी लगती होगी तो मैं उन्हें लगवा दूंगा। लेट्स सी, वापस से रात भी हो गई भाई, एक तो रात बड़ी जल्दी जल्दी हो जाती है। ओके मेरे पास ये सीड्स की कमी है जो कि मेरे घर पे रखे होंगे, और मेरे को एक रिफाइंड मेटल चेस्ट लगवानी है जिसकी स्पेस कितनी होगी वो अपने को घर जाके पता लगेगी। लेट्स गो, ये रही रिफाइंड मेटल चेस्ट, और उसके लिए अपने पास इंगट नहीं है भाई, इस एपिसोड में अपने पास कुछ है ही नहीं, पांच बन जाएंगे वैसे तो इसको अपन बनने के बाद देख लेंगे, बाकी आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने ब्लेज़ अमूट को पकड़ लिया है फाइनली, बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।